मैं लेक्चर 6 का वॉइस ओवर कर रहा हूँ, इसकी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं थी। ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगा आपके जितना बेस्ट हो सके मैं रेप्लिकेट करना चाहूँ लेक्चर को। ठीक है, ऑब्वियसली मैं 100% तो नहीं कर सकता। ओके अच्छा, इधर सरफराज बात कर रहा था कि अगर हम एक सर्कल विद रेडियस आर करें तो उसका सर्कमफेरेंस किसके इक्वल होगा। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि अगर एक सर्कल है उसका रेडियस आर है तो उसका जो सर्कमफेरेंस होगा वो 2 पाई आर होगा। मतलब 2 पाई हमने रोटेशन कंप्लीट कर लिया ना, तो 360 होते हैं और उसको हम रेडियंस में जब कन्वर्ट करते हैं तो 2 पाई हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम अगर छोटे एंगल की मतलब सर्कमफ्रेंस निकालना चाहें इसका, तो सपोजिटली पाई का, तो हाफ सर्कल हो जाएगा, तो उसका सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल होगा, वो हो जाएगा पाई आर के। कोई भी नहीं आया। और इधर हम यही बात कर रहे थे कि जो आर्क लेंथ होगी वो थीटा पे डिपेंड करेगी। एग्जैक्टली ये वही फार्मूला जो जिसमें मैं बात कर रहा था कि आर्क लेंथ मतलब जितना एंगल है इनटू हमारा रेडियस आएगा। पहले हमारा सर्कमफेरेंस का कैसे फार्मूला आया था, 2 पाई मतलब जो एंगल था हमारा इनटू रेडियस। और हाँ, इन केस ऑफ यूनिट सर्कल हमारा रेडियस क्योंकि 1 हो जाएगा, तो एग्जैक्टली जो आर्क लेंथ हो जाएगी वो थीटा के इक्वल आ जाएगी। और इधर हम बात कर रहे थे कि अगर उस पॉइंट की हम जो सर्कल के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं उसका अगर हम सेंटर से एंगल फाइंड करें तो वो थीटा होगा, और अगर उस पॉइंट का हम एक्स प्रोजेक्शन निकालें तो वो क्या होगा, और अगर हम उसका इसी तरह वाई प्रोजेक्शन निकालें तो वो क्या होगा।
इधर हम सिंपल साइन का फार्मूला यूज़ करते हैं जो हमने शुरू से पढ़ा है, जो है साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इस केस में जो हमारी हाइपोटेन्यूज है वो है रेडियस के इक्वल, तो हमारा जो साइन थीटा है वो इधर आएगा परपेंडिकुलर ओवर रेडियस। और इसी तरह हम इसी से बड़ी प्यारी बात कि हम इससे अब परपेंडिकुलर की लेंथ भी निकाल सकते हैं, वो आएगी परपेंडिकुलर इक्वल्स टू आर थीटा। आर जो कि उधर डिवाइड हो रहा है, हम उधर जाकर मल्टीप्लाई अगर करवा दें तो आर साइन थीटा आ जाएगा सिंपल। और ये हमारा वाई प्रोजेक्शन आ जाएगी कि उस पॉइंट की फ्रॉम द गिवन लाइन वाई डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, वो आ जाएगी हमारे पास आर साइन थीटा। और इसी तरह अगर हम एक्स निकालना चाहें, मतलब बेस, मतलब डिस्टेंस उसने एक्स के साइड से कितना कवर किया फ्रॉम सेंटर, ठीक है, वो आएगा हमारा कोस थीटा इक्वल्स टू, वही हम कोस थीटा वाला फार्मूला लगाते हैं, बेस और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमारा रेडियस है। तो अब वो अब बेस की लेंथ किस तरह निकालेंगे हम, रेडियस उधर जाकर मिलता आ जाएगा, तो रेडियस इंटू कोस थीटा। अभी चूंकि हम जेनेरिक की बात कर रहे हैं रेडियस की, जब ये रेडियस 1 होगा तो यही बेस हमारी सिंपल कोस थीटा इंटू 1 और यही कोस थीटा की फॉर्म आ जाएगी। और इधर वही सरफराज बात कह रहा है कि अगर हमारा रेडियस 1 होता है तो चूंकि आर 1 है तो आर साइन थीटा था, तो 1 इंटू साइन थीटा और परपेंडिकुलर इस केस में हमारा सिंपल साइन थीटा आ जाएगा यूनिट सर्कल के केस में, और वही बेस हमारी 1 इंटू कॉस थीटा और कॉस थीटा आ जाती है। इधर सरफराज बात कर रहा था कि किस तरह ग्रीक्स को पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पहले ही पता था, ग्रीक्स यूज़ करते थे इसे, तो हम इधर प्रूफ करने लगे हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं उनको पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। इधर अभी हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि अगर एक सर्कल है जिसके अंदर रेडियस 1 है या फिर एक जनरल सर्कल है विद रेडियस आर, तो उस केस में हमारी आइडेंटिटीज किस तरह से मतलब हम प्रूव कर सकते हैं। हाँ, और यूनिट सर्कल केस में हमारा हाइपोटेन्यूज 1 हो जाएगा और परपेंडिकुलर हमारा क्योंकि आर साइन थीटा होना था तो वो हो जाएगा 1 इंटू साइन थीटा और बेस हमारा 1 इंटू कॉस थीटा। और जब हम पाइथागोरस थ्योरम में पुट करते हैं तो वही हमारा क्योंकि हाइपोटेन्यूज 1 है तो 1 स्क्वेयर इक्वल कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, हमारी ये आइडेंटिटी इधर प्रूव हो जाती है। और हम इसे मतलब जनरल आर से भी कर सकते हैं,
वो थोड़ी देर तक सफा पाते। हाँ, और इधर सर ने बता दिया कि अगर हम हाइपोटेन्यूज सिंपल आर ही रखते हैं तो हमारा जो परपेंडिकुलर होगा वो आर साइन थीटा हो जाएगा और हमारा बेस जो होगी वो आर कॉस थीटा हो जाएगा। और सिंपल जब हम पाइथागोरस थ्योरम में पुट करते हैं तो आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू आर स्क्वेयर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमारा आर है। तो जब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो आर स्क्वेयर बोथ साइड्स डिवाइड हो जाएगा, तो सिंपल हमारे पास वापस आइडेंटिटी निकल आएगी, साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल्स 1। और हाँ, इधर से हम फर्दर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी निकाल सकते हैं। आई थिंक आप लोगों ने FSC या ओ ए लेवल्स या ऐसे उसमें की होंगी फिर भी, लेकिन अब थोड़ा आपको विजुअली ये अच्छा लगेगा जिस तरह से फ्रास करवाएंगे। ये हमारे पास साइन थीटा का ग्राफ था, और ये अगर हम साइन स्क्वेयर थीटा करते हैं तो देखें कैसे जो हमारा नीचे की तरफ ग्राफ जा रहा है वो बिल्कुल ही गायब हो गया, क्योंकि जब हम नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाती है। तो इसलिए कोई भी वैल्यू हमारे पास वाई वाई के लिहाज से नेगेटिव में नहीं जा रही, वो पॉजिटिव ही हो जाती है। लेकिन आप ये भी देखो कि जो हमारी 1 से 0 के दरमियान वैल्यूज होती है ना, जब हम उनका स्क्वायर लेते हैं तो वैल्यू छोटी हो जाती है। इसलिए इधर सरफराज बता रहे हैं, देखो हर पॉइंट पे अगर हम साइन एक्स को देखें और साइन एक्स स्क्वायर को देखें तो वो छोटी ही है साइन एक्स स्क्वेयर, क्योंकि हम जब 0.3 का सपोजिटली हम लेते हैं स्क्वेयर तो वो एक्चुअल 0.3 से कम ही आती है हर बार, क्योंकि वो जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो वैल्यू डिक्रीज हो रही थी। तो इधर हम देख सकते हैं विजुअली कि वो छोटा ही आ रहा है, क्यों आप ये ना देखें कि वो वाई में थोड़ा नीचे जा रहा है क्योंकि वो नेगेटिव है। अगर हम मैग्नीट्यूड देखें उसका मतलब मोड़ लेके तो वो वैल्यू अभी भी उससे बड़ी ही है। अभी हम कोस का देख रहे हैं और कोस स्क्वायर का देखेंगे वो भी वो कैसे एक्ट करता है। तो हम देख रहे हैं कि उसमें भी यही होता है, क्योंकि हमारी जो आउटपुट होती है कोस के केस में वो -1 से 1 होती है, जब हम स्क्वायर ले लेते हैं वो बन जाती है 0 से 1। और इधर जो मैं बात कर रहा था कि अगर हम मोड लें तो आप
काफ़ी क्लियरली देख पाएंगे। तो इधर सरफराज आपको मोड लेकर दिखाएगा कि किस तरह से हर पॉइंट पे हमारी कोस एक्स की वैल्यू कोस एक्स स्क्वायर से बड़ी ही रहती है। इधर आप देखो जो रेड वाला है ना हमारे पास वो है कोस एक्स स्क्वायर, कोस एक्स होल स्क्वायर, और जो हमारा ब्लू है वो है कोस एक्स का मॉड। इधर सरफराज ने दिखाया है कि किस तरह हम जब कोस स्क्वेयर एक्स और साइन स्क्वेयर एक्स का ग्राफ इकट्ठा बनाते हैं तो मतलब डीएनए स्ट्रैंड्स की तरह हमें नज़र आता है। और अभी हम आइडेंटिटी को हम मतलब ग्राफ पे देखेंगे कि किस तरह हम अगर इसका सम लेते हैं तो इसके इक्वल आते हैं। हमने क्योंकि हमने देखा है कोस एक्स स्क्वेयर प्लस साइन एक्स स्क्वेयर इक्वल्स वन होता है, हमें तो पता है, लेकिन अगर हम ग्राफ पे देखें तो वो किस तरह से लगता है। सरफराज डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम दो तो फंक्शंस को ऐड करें ग्राफ में तो वो रिएक्ट कैसे करेंगे। तो इधर पूछ रहे थे कि आप बताएं कि इधर रिजल्ट क्या आएगा हमारा कि अगर हम इन दो फंक्शंस को ऐड करते हैं। तो ये देखो अगर हम क्योंकि हमने आइडेंटिटी देखी है इसको अगर हम ग्राफ पे देखें तो किस तरह से हर पॉइंट पे जो आंसर हमारा वो वन ही आ रहा है, मतलब साइन एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स स्क्वायर इक्वल वन होता है, हमें तो पता है, लेकिन ग्राफ पे देखते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन जो वाई वन के ऊपर से गुजरती है वो हमें नज़र आती है। सरफराज ने जस्ट जो रिजल्ट था हमारा साइन एक्स स्क्वेयर प्लस कोस एक्स स्क्वेयर उसमें से हमने माइनस वन कर दिया, तो सिंपल क्या हुआ हमारा जो वाई वो हमारा हर पॉइंट पे वन था और वो हमने क्योंकि माइनस वन कर दिया तो हमारे एक्स एक्स के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन हमें शो हो जाएगी।
इधर सरफराज बात कर रहे थे कि अगर हम एक इक्वेशन है तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इक्वल होती हैं तो हम किसी भी चीज़ से ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। हाँ डिवाइड हर चीज़ से नहीं करवा सकते, डिवाइड हम नॉन ज़ीरो से करवा सकते हैं सिर्फ, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हम ज़ीरो से डिवाइड कराते हैं वो अनडिफाइंड हो जाती है। तो इस केस में हम साइन स्क्वेयर से डिवाइड कराते हैं और देखते हैं क्या होता है। 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा आ जाएगा इक्वल्स कोसेकेंट स्क्वेयर थीटा। हमारे पास एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन जाती है। इसी तरह अगर हम साइन स्क्वेयर की जगह हम कोस स्क्वेयर से डिवाइड करें तो क्या बनता है, तो सिंपल हमारा टेन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर से कैंसिल इक्वल्स 1 ओवर कोस स्क्वेयर थीटा दैट इज सेकेंड स्क्वेयर थीटा। और इधर बता रहे थे कि किस तरह से हम इमेजिन करते हैं कि मतलब एक दफ़ा लिख लो कोस साइन कोस टेन कॉट सेकेंड कोस सेकेंड साइन कोस सेकेंड का ऑपोजिट है कोस सेकंड का ऑपोजिट है टेन कॉट का ऑपोजिट मतलब इनवर्स।
इधर हम बुक की एग्जांपल देख रहे थे, एक स्क्वायर के अंदर हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट किया, जिससे हमारे पास चार राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर एक मतलब ट्राइंगल के अंदर उसका एंगल गिवन हो तो, और हाइपोटेन्यूज, तो हम उससे मतलब उसका परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज करके हम उसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और कोस थीटा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और इस फॉर्मूले से हम ये साइड्स डिस्कवर कर सकते हैं। फ्रास पॉइंट आउट कर रहे थे कि इस हमारे पास जो इनर ट्रायंगल है उसका जो एंगल है वो ए है, उसकी बेस कॉस ए है, और देखो उसका जो है परपेंडिकुलर साइन ए, और हमारा क्योंकि हमारा जो हाइपोटेन्यूस है वो वन है, अगर वो वन ना होता टू होता तो फिर क्या होना था, आर साइन थीटा होता है, थीटा हमारे पास इधर ए है तो वो टू साइन ए हो जाता, और इस तरह हमारी जो बेस है वो टू साइन टू कोस ए हो जाती। और अब हम नीचे वाले का बात कर रहे थे कि अब नीचे हमारे पास क्या होगा, तो क्योंकि हमारा जो हाइपोटेन्यूस है वो कोस ए है, और हमारे पास फार्मूला है जो हमारी जो मतलब जो हमारी हाइपोटेन्यूस होती है इंटू साइन ऑफ एंगल होता है ना, तो अब हाइपोटेन्यूस हमारा कोस ए है, कोस ए इंटू साइन बी, बी क्योंकि हमारा एंगल है तो ये हमारे पास आ जाएगी परपेंडिकुलर, इस तरह जो हमारी बेस है उधर आना था हाइपोटेन्यूस इंटू कोस ऑफ बी। इधर सरफराज वही इलेबोरेट कर रहे हैं कि अगर वो क्योंकि हमारी उधर हाइपोटेन्यूस लेंथ ऊपर वन थी इसीलिए वन इंटू साइन ए था, और नीचे क्योंकि लेंथ हमारी कोस ए थी इसीलिए नीचे कोस ए इंटू साइन बी है, और सिमिलरली हमारी जो बेस है वो कोस ए इंटू कोस बी है, और ऊपर हमारे पास क्या क्रिएट होगा अगर हमारा जो हाइपोटेन्यूस है वो साइन ए है और हमारा जो एंगल है वो बी है, उसकी बेस क्या बन जाएगी साइन ए इंटू कोस बी, और इसी तरह जो परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी, क्योंकि हमारे पास एंगल जो है वो बी है।
मेरे को बात करने लगे कि इस वाले ट्राइंगल की बेस किसके इक्वल आएगी, क्योंकि हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो 1 है और एंगल ए प्लस बी है। तो वैसे अगर ए प्लस बी की जगह थीटा होता तो हमारी बेस आनी थी कॉस थीटा, क्योंकि अब थीटा ए प्लस बी के इक्वल है, तो अब आ रही है कॉस ए प्लस बी। और इस तरह साइन ए प्लस बी, क्योंकि रेडियस या फिर कहो कि हाइपोटेन्यूज 1 है, तो 1 इंटू साइन ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस साइन ए प्लस बी। अब इधर से हमारे पास ना जो कह लो कि ए प्लस बी फॉर्म साइन ए प्लस बी का हमारे पास फार्मूला क्रिएट होता है, क्योंकि बोथ साइड्स इक्वल हैं, तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी इक्वल्स साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, क्योंकि वो बोथ, क्योंकि इसके कोरस्पोंडिंग जो साइड्स हैं उनकी जो लेंथ ऐड हो रही है वो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी मिलके साइन ए प्लस बी के इक्वल आ। अच्छा, और मैं एक और बात बताता चलूँ कि जो ऊपर एंगल ए प्लस बी क्रिएट हुआ वो कैसे हुआ, क्योंकि आपको पता है नीचे अगर हम दोनों एंगल्स का सम करें, क्योंकि वो कट्ठे एडजेसेंट एंगल्स हैं, ए प्लस बी करेंगे मतलब एंगल कट्ठे हैं, तो हम उसका होल का एंगल अगर निकालना चाहें तो मतलब बेस लाइन से ए तक का एंगल क्या होगा, वो होगा ए प्लस बी। तो क्योंकि अगर दो पैरेलल लाइंस गुजर रही हों और एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, तो उस लाइन का जो ऊपर वाला एंगल होता है और जो नीचे जहाँ से कट कर रही होती है वो वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो इसीलिए जो नीचे ए प्लस बी था वही हमने ऊपर वाले की जगह रिप्लेस कर दिया, उस एंगल को हमने ए प्लस बी कर दिया। और इधर से फ्राज जो, अच्छा अब इधर से हम ना कोस ए प्लस बी की निकालने की ट्राई करते हैं, क्योंकि ऊपर आप देख सकते हो कि कोस ए प्लस बी वाली लेंथ और हम साइन ए साइन बी वाली लेंथ जो है साइड की, वो मिला के कोरस्पोंडिंग कोस ए कोस बी की लेंथ के इक्वल आ रही है। तो हम अगर इन लेंथ्स को माइनस करें तो हम कोस ए प्लस बी की लेंथ निकाल सकते हैं। तो इससे हम कैसे निकालेंगे, कोस ए कोस बी इक्वल्स टू कोस ए प्लस बी प्लस साइन ए साइन बी, और साइन ए साइन बी उधर जाके अगर माइनस हो जाए तो हमारे पास कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाता है। ये आपको स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहा है, ये जो फिगर 4 है उसमें लिखा हुआ कोस ए प्लस बी इक्वल्स टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन। और इधर सरफराज कह रहे थे कि आप बाकी आप खुद से डिस्कवर करें, और 1.3 एक्सरसाइज से 69 क्वेश्चन से 72 तक आप खुद से करके लें। इधर हम लॉ ऑफ कोसाइंस को देखते हैं, तो देखिए अब हम जब इसे देखते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम बीसी में से निकला है। तो ये अब जो हाईलाइट किया सफरान ने, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी, ये पाइथागोरस थ्योरम ही है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के अंदर जो हमारा एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है और कोस 90 0 होता है, तो इसीलिए ये जो जहाँ पे अभी पॉइंट किया सफरान ने वो वाला हिस्सा हमारा 0 हो जाता है, और जो हमारा फार्मूला रह जाता है वो यही होता है सी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये आपने सेकंड ईयर में पढ़ा होगा फार्मूला लॉ ऑफ कोसाइन।
तो इधर हम बात कर रहे थे कि क्योंकि इसका एंगल 90 नहीं है, तो इधर हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते। इधर हम बात करें कि कोऑर्डिनेट्स बी के कैसे निकले। तो ओरिजिन से जो बी तक का डिस्टेंस है वो तो अगर देखें तो वो ए लेंथ है, लेकिन अगर उसका एक्स कोऑर्डिनेट देखें तो वो बन रहा है हमारा, अगर हम जीरो ओरिजिन से एक सर्कल ड्रॉ करें तो ये ए हमारा रेडियस हो जाएगा। तो फिर हमारा जो हमारा एक्स होगा वो बन जाएगा ए कॉस थीटा, और वाई जो होगा वो हमारा बन जाएगा एस साइन थीटा। सर फ्रांस बात कर रहे थे कि अगर हम बी पॉइंट से अगर हम एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन ड्रॉ करें तो हमारे पास एक परपेंडिकुलर जनरेट हो जाएगा, और हमारे पास एंगल जो होगा वो 90 होगा, और फिर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इधर हम बात कर रहे हैं कि अगर हम क्यूब के पॉइंट्स निकालें तो क्या होंगे, क्योंकि क्यूब जो है हमारा बी का ही एक्स प्रोजेक्शन है, तो
हमारा जो वाई होगा वो 0 हो जाएगा और एक्स वैल्यू उसकी बी ही की वैल्यू हो जाएगी एक्स की, जो कि है ए कॉस थीटा। ठीक है, और इधर हम लगा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो कि है हाइपोटेन्यूस जो है हमारा सी है, सी स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इधर सरफ्रास बात कर रहे हैं कि अगर जो हमारी जो बेस है वो किसके इक्वल होगी, क्या वो बेस ए कोस थीटा प्लस बी होगी? जो हमारी वर्टिकल है मतलब परपेंडिकुलर वो किसके इक्वल होगा? ए साइन थीटा, क्योंकि वो हमें बी की वैल्यू से हमें मिल रहा है, तो उसे हम ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे। इधर अब सरफ्रास कहते हैं कि क्योंकि हमारे पास जो सी से क्यू तक की वैल्यू है वो माइनस एक्स की ऊपर है, तो हमारी जो लेंथ होगी वो भी नेगेटिव होनी चाहिए, तो उस केस में ए कॉस थीटा प्लस बी जब हम करेंगे तो एक्चुअली वो तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो हमने सब्ट्रैक्ट नहीं करने, हमने उन्हें ऐड करना है फिजिकली, मतलब जो हमारी लेंथ है वो तो ऐड हो रही है ना, हम जब उधर लिखेंगे तो वो माइनस हो जाएगी, तो उसके लिए हमें किसी एक का हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। तो या हम लिख दें माइनस ए कॉस थीटा, या हम लिख दें ए कॉस थीटा माइनस बी, जिससे कि या तो दोनों नेगेटिव हो जाएं या दोनों पॉजिटिव हो जाएं, ताकि हमारी जो लेंथ्स हैं वो ऐड हो जाएं। ठीक है, जो नीचे एक ही लेंथ दोनों लेंथ्स मिला के एक लेंथ बना लें, ना कि दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएं। ठीक है, तो वो बन जाएगी ए स्क्वेयर। इधर अब हम फार्मूला लगा लेते हैं ए माइनस बी होल स्क्वेयर का, वो फार्मूला होगा ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2a cos थीटा b माइनस 2ab cos थीटा। यस, और ये अब हमारे पास फार्मूला आ गया जो हमारा था लॉ ऑफ कोसाइन। अभी सर ने एक अच्छे से कहा कि जो टेन का चेन पूछना चाह रहा था कि टेन का ग्राफ कैसे होगा और कोट का, बाकी जिस सर ने अभी साइन और कोस को तो दिखा दिया था सर ने, बाकी फंक्शंस नहीं दिखाए थे जियोजेब्रा के, तो वह अब हम देखते हैं वो कैसे दिखता है। अब इधर से फ्राज बात कर रहे हैं कि सीकेंट का ग्राफ कैसा दिखेगा। अभी अभी जो हम जिस पे बात कर रहे हैं ना वो है
सॉरी कोसेकेंट का। अभी जो हम अभी देख रहे हैं वो है रेड में साइन का ग्राफ, क्योंकि कोसेकेंट 1 और साइन होता है और साइन 0 भी होता है अक्सर जगहों पे, जैसे साइन 0 0 होता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जो 1/0 आ जाएगा, तो क्योंकि 1/0 अनडिफाइंड है, तो ये उस पॉइंट पे जाके इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा। इस 0 से जब क्लोज होगा तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा, मतलब 0.00000000 तो ये पैटर्न सर बना के दिखा रहे हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली ऐसे होगा। ये पैचेस में जगह जगह के साइनोसाइडल वेव है ना, हर जगह हम मतलब एक्स एक्सिस पे टच कर रही है, तो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स पे 0 होगा। जिस जिस तरह से होगा उस तरह ये एक मतलब कह लो ये एक शेप से बनती नजर आएंगे पैटर्न। इस तरह से सरफराज ने दिखाया था कि एक्सपेक्टेडली ऐसा ही होगा, तो ऐसे ही आप देख सकते हो कि रिजल्ट भी वैसे ही है। जिन पॉइंट पे मतलब साइन 0 हो रहा था उधर इन्फिनिटी क्यूब को अप्रोच करने लग गया सेकंड। और इधर हम कोस को भी देख लेते हैं और उसके साथ साथ सेकंड को भी। अब हम इधर साइन और कोस का दोनों को ग्राफ बनाते हैं और अब देखते हैं कि टेन कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि डिफरेंट पॉइंट्स पे जो है हमारा साइन और कोस है, तो कोस 0 होता है, तो जब कोस 0 होगा तो 0 होते हुए मतलब होने से पहले वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा टेन की वैल्यू, तो ये मल्टीपल पॉइंट्स वैसा होगा, तो इसी तरह आपको डिफरेंट पैटर्न सेम पैटर्न आपको रिपीट होता हुआ नजर आएगा।
ये आपको पॉजिटिव की तरफ, और जैसे ये वैल्यू नेगेटिव हो रही है तो ये इसके साथ साथ नेगेटिव इन्फिनिटी को पहुंच करने शुरू हो रही। और आपको यही पैटर्न आपको रिपीट होता हुआ नजर आएगा। अभी सिर्फ आज आपको ग्राफ जियोजेब्रा बनाकर दिखाते हैं। अभी हम देख रहे थे कि ऐसा दिखेगा, तो सफर ने आपको बना के भी दिखा दिया है, तो वैसा ही दिख रहा है। ओ ये देखो, ये अभी हमने कॉर्ड बनाया है, तो क्योंकि हमें पता कॉर्ड इसका इनवर्स है, तो इमेज वही बन रही है, लेकिन उसको मतलब उसके वो भी उसका इनवर्स है ग्राफ। अब डिस्कस कर रहे थे कि ये फंक्शन में जो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं ये कैसे इफेक्ट करेंगे। इधर हमारा जो एक कांस्टेंट है, ये हमारे जो ग्राफ जो हमारा मतलब फंक्शन कर्व बन रही होगी उसको वो स्केल कर रहा होगा, या स्केल अप करेगा या उसे स्केल डाउन करेगा। मतलब एक ही वैल्यू अगर बढ़ाते हो तो उसे स्केल अप करेगा या स्केल डाउन करेगा। स्केल डाउन किसे करेगा, जब हम 1 से 0 के दरमियान में जाएंगे तो उसे स्केल डाउन करते हो, और जिस तरह हम नेगेटिव या पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो ये मतलब ये मतलब क्वाड्रेंट शिफ्ट करेगा। और जो हमारा डी है ये हमारा हाइट मतलब शिफ्ट कर रहा है, ये हमारे जो फंक्शन है उसको या शिफ्ट अप करेगा पॉजिटिव करते हैं और नेगेटिव करते हैं तो शिफ्ट डाउन। ठीक है, और जो हमारे पास एक्स प्लस सी हो रहा है ये हमारा एक्स एक्सिस शिफ्ट कर रहा है, या हमारा शिफ्ट राइट करेगा या शिफ्ट लेफ्ट।
इधर अब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को डिस्कस करें। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं जब हम कह लो कि सिंपल टर्म्स में कि हम एक फंक्शन या एक वेरिएबल हमारा किसी कांस्टेंट या वेरिएबल की पावर में आ जाता है। तो अब पर अब इधर जो हमारी पास एग्जांपल है उस केस में हमारे पास है ए की पावर एक्स। इसका मतलब है कि ए को हम एक्स टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ए पावर एक्स बन जाएगा। फ्रेंड्स डिस्कस कर रहे थे कि अब ए की पावर 2 तो हम निकाल लेंगे आराम से और ए की पावर 3 भी। तो आप ये बताओ कि हम ए स्क्वायर ए की पावर स्क्वायर रूट 3 कैसे निकालेंगे। अब इधर अब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को इन एक्शन देखेंगे बैंकिंग सिस्टम में किस तरह से एक्ट करते हैं। इधर हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर छोटी सी रेशियो से भी हर साल इंक्रीज हो रहा हो, मतलब हर साल 0.05 भी ऐड हो रही हो हमारा, मतलब सेविंग्स या कह लो सेल्स टैक्स कह लो या कोई चीज़, तो इफेक्ट कैसा लाएगी। फर्स्ट ईयर एस, अगले साल एस प्लस एस इंटू 0.05, उससे अगले साल एस इंटू एस प्लस एस इंटू 0.05 प्लस एस, मतलब जो पिछली रेशियो है उसको मल्टीप्लाई करा देंगे 0.05। तो इसी तरह करते करते ये काफ़ी बड़ी वैल्यू बन जाएगी। ये हर साल 1.05 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम उसका मतलब कॉमन लेके उसकी पावर में भी लिख सकते हैं। शुरू में कह लो 1.05 पावर 0, नेक्स्ट ईयर मल्टीप्लाई हो रहा है 1.05 पावर 1, अगले साल मतलब 2 साल के बाद 1.05 पावर।
जिस तरह मैं बात कर रहा था, अब अगर हम इन टर्म्स ऑफ टी बात करें तो पहले साल टी 0 होते हैं, तो मतलब वो जीरो, हमने समथिंग पावर 0 इज 1, तो 1 into s, नेक्स्ट ईयर पावर 1, तो 1.05 into s, एंड सो ऑन. जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है ना, उनका ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा होता है. तो कह लो अगर मैं 2 की पावर 1000 भी करता हूँ ना, और मैं उसके सामने रख देता हूँ, उसका कंपैरिजन मैं करता हूँ 1.01 कह लो उसकी पावर एक्स, तो ये जो 1.01 पावर एक्स है, ये आपको नज़र आएगा कि ये क्रॉस कर रहा है 2 पावर 1000 को. बिल्कुल इमीडिएट क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि 2 पावर 1000 बहुत बड़ी वैल्यू है, लेकिन जब हम एक्स की वैल्यू 1000 या 1000 से ज़्यादा होती नज़र आएगी, तो हम देखेंगे कि ये बहुत जल्दी 2 पावर 1000 को क्रॉस करेगा. और अब सरफराज इधर दिखा रहे हैं कि अब अगर हम इधर एक 2 की पावर एक्स फंक्शन का ग्राफ बनाएं और 3 की पावर एक्स का फंक्शन ग्राफ बनाएं, इन दोनों के दरमियान में एक फंक्शन और गुजरता है, और वो बहुत ही प्यारा फंक्शन है. बिल्कुल इनको कह लो दरम्यान से कट करता हूँ. और वो है e की पावर x. ये ईलर्स नंबर है, और उसने वो चाह रहा था कि ऐसा नंबर, ऐसा फंक्शन हो जो के जिसका चेंज भी उसी के इक्वल आए. तो ई पावर एक्स का अगर हम चेंज निकालते हैं किसी भी पॉइंट पे, तो उसी के इक्वल होता है. ये एक इसकी कह लो एक एट्रीब्यूट है, ये इसी वजह से काफ़ी जगह यूज भी होता है ई पावर एक्स.
पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या एक्सपोनेंशियल डिके का फार्मूला है, इसमें के कांस्टेंट है और के अगर पॉजिटिव हो इसका मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फंक्शन है, और अगर के ही नेगेटिव हो जाए तो ये एक्सपोनेंशियल डिके। इधर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी है तो जो लेफ्ट साइड पे है वो के पॉजिटिव की है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रो कर रहा है, और जो राइट साइड पे है ये एक्सपोनेंशियल डिके की है।